Baby. क्यों किया समरसा? Oh my god. Oh my god. Start करने काटेगा ये. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल. मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र. मैं हूं सुनील. और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है ये साली आशिकी का ट्रेलर. और इसमें है वरदान पुरी, जो कि अमरीश पुरी जी के ग्रैंडसन हैं. और इसमें उनके साथ हैं शिवालिका, तो दोनों न्यू कमर्स हैं. और तो देखते हैं इसके ट्रेलर को. अमरीश पुरी साहिल, तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या रिश्ता था? बेचारा शौक में पड़ गया. शायद मेरी गर्लफ्रेंड थी वो. कॉलेज में साथ में पढ़ते थे. अच्छा. एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे. I love you, मेहती. I love you too. सब कुछ सही चल रहा था सर. फिर एक दिन हमारा ब्रेकअप हो गया. 3 साल से मैंने उसको देखा तक नहीं है सर. कहाँ है, क्या कर रही है, कुछ नहीं जानता मैं. वो लड़की तो कह रही कल रात तुम उसके घर पहुंचे, उसे अटैक किया तुमने. सर मुझे नहीं बताओ ऐसे क्यों बोल रही है. क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्या? सर कुछ तो प्रूफ होगा उसके पास. सीसीटीवी फुटेज समथिंग. सर आपके घर पे कोई नहीं आया था. कॉलेज में साहिल मेरा नाम का एक लड़का मेरे पीछे पागल था. हमेशा घूरता, बात करने की कोशिश करते रहता मुझसे. फिर अचानक उसने मुझे प्रपोज किया. I love you, मेहती. I'm sorry, साहिल. मुझे क्या पता था कि मेरे ना सुनने पे वो पागल हो जाएगा, स्टूडेंट्स और टीचर्स को मारने पीटने लग जाएगा. पागल हो रहा, I'm going mad. उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया. इस बात को 3 साल हो चुके. तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? सर वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है सर, प्लीज ट्रस्ट मी. अरे पर क्यों फंसाएगी तुझे? क्योंकि हम दोनों के बीच में एक इंसिडेंट हुआ था सर. जिसके बारे में कोई नहीं जानता. हिम्मत है ना तो सामने आ, छोड़ूंगी नहीं तुझे. अरे छोड़ूंगा तो मैं तुझे नहीं. चार नवंबर की रात को क्या हुआ था? क्या तुमने साहिल के साथ ऐसी कोई हरकत की है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी? खतरनाक. बेबी बेबी क्यों किया ऐसा मेरे साथ? और लास्ट में जो स्माइल निकाली थी भाई, खतरनाक वाली स्माइल थी वो. एक साइड से भाई बिल्कुल ऊपर उठाते हुए बिल्कुल खतरनाक वाली. और मतलब स्टोरी इसकी वही सस्पेंस थ्रिलर है, कुछ समझ नहीं आ रहा मतलब कहाँ की स्टोरी कहाँ है. नाम तो ये दिया भाई ये साली आशिकी, ठीक है, लेकिन अब क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा है इसमें कि एक्चुअलिटी है क्या. लड़की कुछ कह रही है, लड़का कुछ कह रहा है, ठीक है, और इंसिडेंट कुछ और हो रहा है. और बीच में मतलब जैसे दोनों साइड की स्टोरी शूट की हुई है, तो जो लड़का सुना रहा है वो भी शूट की है, लड़की सुना रही है वो भी शूट की. लड़का कहता है कि मैं उस वो हम दोनों प्यार करते थे, ठीक है, वो बिल्कुल अच्छे, एक कहते हैं स्मूथ स्टोरी, बिल्कुल प्यार वाली, वो सारी चीज दिखा रहा है कि बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था, ठीक है. लड़की अपोजिट है. हाँ, और लड़की ये कहती है कि वो मेरे को लाइन मारता था, ये मेरे से बात करना चाहता था, और उसके बाद मैंने उसे मना कर दिया तो वो पागल हो गया, उसे मेंटल हॉस्पिटल तक भेज दिया गया, ठीक है, और उसकी हालत बहुत खराब हो गई. फिर आता है एक इंसिडेंट, 4 नवंबर को एक इंसिडेंट हुआ था भाई. उसमें लड़की ये बोलती है कि हाँ वो मेरे घर पे आया, अटैक किया, उसने मेरे को मारने की कोशिश करी. तो वो कहता है कि भाई अगर मैंने मारने की कोशिश करी है तो कोई तो प्रूफ होना चाहिए. नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं था भाई. सीसीटीवी खंगाल चुके बेचारे पुलिस वाले, कहते कि भाई सिचुएशन क्या है, हुआ क्या है, इन्हें कंप्लेंट कर दिया और कुछ दिख नहीं रहा. तो ये पूरी मतलब जो मूवी है सस्पेंस से भरी हुई होगी.
और बहुत अच्छी एक्टिंग की है अमरीश पुरी जी के जो पोते ने पोते वर्धन जी, बहुत ही बढ़िया। लेकिन एक चीज और है इस मूवी में कि जब वो पूछता इंसिडेंट हुआ कुछ ऐसा, उसके बाद लड़की कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तो छोड़ूंगा तो मैं नहीं तुझे, लड़की क्या सोच रही है तू अपने आपको। और लास्ट का जो सीन है ना भाई, एक चीज है कि भाई अगर लड़के ने कोई तो खुंदकाई होगी और कोई तो बात रही होगी जिस वजह से लड़की उसे छोड़ा होगा या कुछ किया होगा या डंप किया होगा, तो लड़के को उस बात पे खुंदकाई होगी या कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो अब तो मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि ट्रेलर में वो क्लेरिफाई नहीं हो रहा है कि एक्चुअल में सीन सस्पेंस बन कहाँ रहा है। लेकिन ये है कि सस्पेंस वाली मूवी है पूरी तरह से, लेकिन जब वो लास्ट वाला सीन निकालता है ना भाई, वो स्टार्ट करके पीछे पड़ता है उसके, तो मैं तो रहता हूँ भाई मार ही देगा उसे। अब पता नहीं ये स्टोरी लड़के के फेवर में कि लड़की के फेवर में, किसके फेवर में जाती है, तो मूवी देख के पता लगेगा। आशिकी है तो आशिकी में देखो जिस हिसाब से दिख रहा है उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि हाँ लड़की की आशिकी है, और कहीं ना कहीं उसमें लड़की जो है वो खुद को पीछे खींच रही है, क्योंकि जिस हिसाब से वो उसको मारने की उसमें जा रहा है, या फिर लड़की ने कुछ ऐसा किया है उसके साथ, उसकी आशिकी में उसे धोखा वोखा दिया है, तो इस चक्कर में वो उसको मारना चाह रहा है बस, ये है। तो ये है ओवरऑल रिएक्शन हमारा इस ट्रेलर को देख के। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा है हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, क्योंकि हम जो नए नए वीडियो के रिएक्शन करते हैं वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें वीडियोज़ को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।